Hi kids, let's do our chapter 2.2, Nature created man and women as equals. Prakriti ne jo hai, aadmi aur aurat ko ek saman banaya hai. Let's do the warming up questions. So number one is A. Study the pictures below and note down the difference. Aapko ye photographs dekh ke inme jo jo difference hai, wo yahan pe likhne hai. So in this first picture you see, एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है और एक लड़की जो है वो मटका लेके जा रही है, तो वो घर के काम कर रही है, पानी भरने जा रही है. और यहाँ पे लड़का लड़की दोनों स्कूल जा रहे हैं. सो इन फर्स्ट पिक्चर अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल एंड अ गर्ल ऑफ सेम एज इज डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स. हाउसहोल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम. इन सेकेंड पिक्चर अ गर्ल एंड अ बॉय बोथ आर गोइंग टू स्कूल. इस फोटो में देखिए, एक औरत जो है वो अपने सर पे मटके संभाल रही है और साथ में उसके हाथ में एक बच्चा भी है. और इस वाली फोटो में एक लड़की जो है वो स्कूल में पढ़ा रही है. सो इन फर्स्ट पिक्चर अ वुमन इज ट्राइंग टू बैलेंस पॉट्स एंड अ बेबी एट द सेम टाइम. इन सेकेंड पिक्चर अ वुमन इज टीचिंग किड्स इन क्लासरूम. बी, नाउ राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग टू पिक्चर्स. अब आपको इन दो फोटोज में जो दिख रहा है वो लिखना है. तो पहली वाली फोटो में आप देखोगे कि घर के जो लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, वो औरतों की मदद कर रहे हैं घर के काम में. ये हस्बैंड अपनी वाइफ की कर रहा है और ये भाई अपनी बहन की कर रहा है. और इस फोटो में जो है आदमी औरत सब मिलके ऑफिस में काम कर रहे हैं. सो आंसर इज इन द फर्स्ट पिक्चर द मेल्स आर शेयरिंग हाउस होल्ड चोर्स विद द फीमेल्स ऑफ द हाउस. वो घर के काम बांट रहे हैं औरतों के साथ. In the second picture, men and women are working together in an office at the same level. यहाँ पे सब साथ में काम कर रहे हैं. C, which pictures reflect gender equality? Write their numbers. कौन सी फोटोग्राफ्स हैं जो आपको जो है जेंडर इक्वालिटी बता रही है, मतलब कि लड़का और लड़की को एक समान ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो कौन सी फोटोग्राफ्स दिखा रही हैं? उनके नंबर आपको यहाँ लिखने हैं. So answer is following four pictures reflect gender equality. ये फोटो जो है ये जेंडर इक्वालिटी दिखा रही है, राइट? यहाँ पे लड़का लड़की दोनों स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे लड़की जो है ये बच्चों को पढ़ा रही है, यहाँ पे जो है आदमी जो है वो औरतों की मदद कर रहे हैं घर के काम में, और यहाँ पे आदमी औरत सब मिलके ऑफिस में काम कर रहे हैं. तो ये सारे पिक्चर्स में क्या चीज कॉमन है कि सब में जो है आदमी औरत को इक्वल राइट मिला हुआ है, किसी का भी काम डिसाइडेड नहीं है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. D. Write down any two slogans on gender equality. Gender equality के ऊपर आपको दो नारे लिखने हैं. So those two are equal rights, equal opportunities, progress for all. एक समान अधिकार हो, एक समान अवसर हो, तो उससे सबका विकास होगा. Gender equality is not a women's issue, it's a human issue. Gender equality जो है वो औरतों का issue नहीं है, ये समाज का issue है. So now these are the questions that are written on indent of chapter. आपका जो chapter है उसके हर पेज में साइड में कुछ questions दिए हुए हैं, right? ये उनके answer हैं. So let's start with first one. Make a list of the beautiful natural surroundings of the house. घर के आसपास जो खूबसूरत प्राकृतिक चीजें हैं उनकी एक आपको list बनानी है. So following is the list of natural surroundings of the house. It is close to a small stream of crystal clear water. वो जो है एक छोटी सी पानी की धारा के पास है. द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles अवे. घर से सिर्फ 2 मील की दूरी पे जो वो धारा है वो पहाड़ से नीचे गिर रही है. देर इज अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विद येलो मस्टर्ड फ्लावर्स. हंड्रेड ऑफ एकर्स का जो लैंड है वहां पे, उसमें जो है पीले मस्टर्ड के फूल, पीले सरसों के फूल हो रहे हैं. A garden is in front of the house. एक गार्डन जो है वो घर के ठीक सामने है. Many trees bearing flowers and fruits grow on all sides of the house. घर के चारों तरफ जो है बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें फल और फूल हो रहे हैं. The courtyard smells of jasmine which blooms in bunches of white pearls. जो वहाँ का आंगन है उसमें जो है चमेली के फूल खिले हुए हैं जिससे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है. Question 2. What help did Lanthoi need from her mother? लैंथोई को अपनी माँ से क्या मदद चाहिए थी? लैंथोई वाज गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोय लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ सिंपोजियम एट हर स्कूल ऑन द टॉपिक गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स नेक्स्ट डे. शी नीडेड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर सेम. तो लैंथोई को जो है अगले दिन अपने स्कूल में जो है एक सेमिनार होने वाला था, उसमें बोलना था. और उसका टॉपिक क्या था? गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल. भगवान ने जो है
आदमी औरत को एक समान बनाया है, तो उसे इसी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए अपनी मम्मी की मदद चाहिए थी। What did Lanthoi's father work as? Lanthoi के पिताजी क्या काम करते थे? Lanthoi's father was a lawyer and social worker. वो वकील थे और समाज सेवक थे. In what way did Tomba contribute towards Ashangbi's success? Tomba ने किस तरह से योगदान दिया था Ashangbi की सफलता में? Tomba was always supportive of his wife's work. वो हमेशा अपने वाइफ के काम में उसको सपोर्ट करते थे. He would always contribute equally in household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. वो हमेशा जो है घर के काम में मदद करते थे, जैसे घर की सफाई है, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना. How did mother explain Lanthoi's topic for her speech at school? माँ ने जो है Lanthoi को टॉपिक कैसे समझाया उसके स्पीच के लिए? Lanthoi's mother told her that in no society did women enjoy the same opportunities enjoyed by men. Lanthoi की माँ ने उससे कहा कि किसी भी समाज में जो है औरतों को आदमियों के समान सेम अवसर नहीं मिले हैं. She had seen that women were subjugated in many ways. उन्होंने देखा था कि औरतों को बहुत तरीकों से पराधीन किया गया था, उन्हें दबाया गया था. She told her it was against the will of God. उन्होंने कहा कि ये भगवान की मर्जी के खिलाफ है. God had sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally. To share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally. उन्होंने कहा कि भगवान ने जो है हमें इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हम जीवन की खुशियों और दुखों को जो है समान रूप से साझा करें और उनके आशीर्वादों को भी साझा करें. तो भगवान ने सबको एक समान अधिकार दिया है. How is the role of a mother honored and praised? एक माँ के किरदार की कैसे प्रशंसा और कैसे उसका सम्मान होता है? Mother is the fountain of love in a family. माँ का प्यार जो है एक परिवार में झरने की तरह होता है. This bond of love is beyond comparison with anything else in the world. ये प्यार जो है ये दुनिया में किसी भी चीज से इसकी तुलना नहीं हो सकती है. It is because of this that motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother. इसी कारण से जो है मातृत्व को महत्वपूर्ण बनाया गया है और महिलाएं जो है वो जीवन में चुनौतियों का सामना करके भी माँ बनना चाहती हैं. What are the achievements of modern women? आधुनिक महिलाओं के क्या achievements हैं? क्या-क्या उन्होंने पाया है? Modern women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers and political leaders. तो जो आधुनिक महिलाएं हैं, वो पहाड़ों पे चढ़ चुकी हैं, उन्हें प्रकृति के बारे में पता है, वो astronauts हैं, वो scientists हैं, वो soldier हैं और वो नेता भी हैं. What social justice does the Aegis of United Nations guarantee? United Nations ने जो Aegis का मतलब होता है protection. तो कौन से सामाजिक न्याय की बात की है United Nations ने अपने protection में? Under the Aegis of United Nations, there is a declaration of new world of equality. It has following dimensions. तो United Nation का जो घोषणा है, जिसमें जो है समानता की नई दुनिया की बात हुई है, उसमें उन्होंने निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया है. सो नंबर वन इज इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन. तो सभी लोगों को जो है जो मौलिक सामाजिक सेवाएं हैं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पे सबकी समान पहुंच हो. नंबर बी इज इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. तो राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में समान भागीदारी हो सकती. C is equal reward for equal work. समान काम के लिए समान पुरस्कार मिले. And number D is elimination of discrimination and violence against women. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का समापन हो, इसे खत्म किया जाए. What vision meets her eye when Lanthoi rushes outdoors? जब Lanthoi बाहर जाती है तो उसे कौन सा दृश्य दिखता है? Lanthoi sees bright morning sun, blue sky meeting the range of eastern mountains and the small trail which winds up the distant purple mountain. Lanthoi जब बाहर जाती है तो उसे खूबसूरत चमकता हुआ सूरज दिखता है, उसे नीला आसमान दिखता है जो कि पहाड़ों से जाके मिल रहा है और वो सामने देखिए देखती है कि एक पतला सा रास्ता जो है वो घूमता घूमता पहाड़ों में जा रहा है. What does the vision symbolize? ये विजन आपको क्या बताता है? The vision symbolizes the beauty of the world that God has created and everybody has equal rights to enjoy it. ये vision हमें ये बताता है कि भगवान ने जो है इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है और हम सभी के पास equal अधिकार है इसे
एंजॉय करने का, इसका फायदा उठाने का, ये सबके लिए भगवान ने बनाया है। इंग्लिश वर्कशॉप, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस दैट कम आफ्टर योर चैप्टर। वन इज फाइंड द लेसन वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द फॉलोइंग। आपके चैप्टर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके ये मीनिंग है, तो आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके ये मीनिंग है। सो ए इज कलर्स, कलर्स के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है कलर्स, रंग। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन्स, उसे क्या कहते हैं जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए लिखता है? जर्नलिस्ट। मेक अ डिफरेंस बिटवीन, किसी चीज में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना। क्राई ओवर, किसी चीज पे रोना, लेमेंट्स। एक्सप्लेन इन डिटेल, किसी चीज को अगर डिटेल में समझाना हो तो आप क्या कहोगे? थ्रो लाइट ऑन। एबिलिटीज एंड क्वालिटीज, पोटेंशियल, किसी के अंदर जो जो खूबियां हैं वो क्या है? पोटेंशियल। सेम अवेलेबिलिटी, सबको समान अधिकार, इक्वल एक्सेस। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट अ सोशल पॉलिटिकल चेंज, कोई अगर समाज में कोई बदलाव लाए तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिविस्ट। पिक आउट फाइव कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम लेसन, आपको चैप्टर में से पांच कंपाउंड वर्ड्स ढूंढने हैं। नाउ व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स आर व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर जॉइंड क्रिएटिंग अ डिफरेंट वर्ड विद अनदर डिस्टिंक्ट मीनिंग। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जब आप दो शब्दों को मिला दो और उनसे जो है वो मतलब अलग बन जाए, वो दो शब्द जो है मिलके एक नया मतलब बना रहे हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। वन इज ओपन, जैसे कि ये हाई स्कूल है, ये एक शब्द है, राइट? हाई स्कूल जो है आपके स्कूल में, हाई स्कूल जो है एक क्लास है। नाउ हाई का मतलब अलग होता है और स्कूल का मतलब अलग होता है, राइट? हाई का मतलब ऊंचा और स्कूल का मतलब स्कूल। तो अगर आपने इन दोनों वर्ड्स को मिला दिया तो जो हाई स्कूल है वो अलग मतलब हो गया। सो दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। फिर एक टाइप के होते हैं ग्रैंड मदर, जैसे ये है, इसमें कोई भी यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आपने साथ में लिखा हुआ है। और ग्रैंड का मतलब होता है कुछ बहुत बड़ा, मदर का मतलब होता है माँ, बट जब आपने ग्रैंड मदर एक वर्ड कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया दादी। सो दिस इज अ कंपाउंड वर्ड, क्योंकि आपने दो शब्दों को मिलाया और एक नया शब्द बना जिसका मतलब अलग है। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसमें आप बीच में हाइफन लगाते हो, जैसे कि ये टू फोल्ड, तो ये वाले जो है ये हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो अभी हमें चैप्टर में से पांच कंपाउंड वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। सो दीज आर दोज। नंबर वन इज एनी वेयर। एनी का मतलब अलग होता है, राइट? और वेयर का मतलब भी अलग होता है। एनी का मतलब होता है कुछ भी और वेयर का मतलब होता है कहाँ, बट आपने जब एनी वेयर कर दिया तो ये क्या हो गया? कहीं भी इसका मतलब हो गया। सो दिस इज अ डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। हाउस होल्ड जो है ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि हाउस अलग वर्ड है और होल्ड अलग वर्ड है, राइट? आपने मिला दिया, अलग शब्द बन गया। क्रिस्टल क्लियर, ये हाइफन वाला कंपाउंड वर्ड है। कोर्ट यार्ड, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, कोर्ट का मतलब अलग होता है, यार्ड का मतलब अलग होता है, बट जब आपने इसे कोर्ट यार्ड कर दिया तो ये बन गया आंगन। रीडिंग रूम जो है ये भी कंपाउंड वर्ड है, रीडिंग अलग होता है, रूम अलग होता है, आपने साथ में मिला दिया, ये क्या हो गया? पढ़ने वाला कमरा। मिडिल एज्ड, ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, ये हाइफन वाला है, कोई जो है वो मिडिल एज में हो, कोई अपनी मध्य आयु में हो तो वो मिडिल एज्ड कहलाता है। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, रीड एंड राइट डाउन फाइव पॉइंट्स व्हिच प्रूव दैट टुम्बा लेंथोइज फादर फर्मली बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी। आपको वो पांच पॉइंट लिखने हैं जिससे ये प्रूव होता है कि टुम्बा जो है वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है। So those five points are, Tumba is supportive of Ashangbi's activities as women right activist. वो जो है Ashangbi के कार्यों का समर्थन करता है activist के रूप में। He advocates the cause of women. वो महिलाओं के मुद्दों का समर्थन करता है। He does not discriminate between a man's work and a women's work. वो आदमी और औरतों के काम में भेदभाव नहीं करता है। He shares the household chores like cooking, washing, etc. equally with Ashangbi. वो घर के काम जो है जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, इसमें Ashangbi का साथ देता है। He tells Lanthoi that the world is still full of inequalities and they must find a way to bring equality between men and women. वो Lanthoi को बताता है कि दुनिया अभी भी असमानताओं से भरी हुई है और उन्हें पुरुष और महिलाओं के बीच में समानता लाने का तरीका ढूंढना है। In what ways is Ashangbi different from other women of her community? Ashangbi जो है वो अपने समाज में जो और महिलाएं हैं उनसे कैसे अलग है? Ashangbi is different from other women of her community. She is a middle-aged
मदर ऑफ थ्री चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एज वेल। अशांगवी जो है वो अपने समुदाय की अन्य महिलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि एक तो वो तीन बच्चों की माँ है, वो मिडिल एज्ड है और साथ में वो एक पत्रकार भी है और वो महिलाओं के अधिकारों की एक्टिविस्ट भी है। What are the provisions in the Declaration of the United Nations to ensure equality of men and women? संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में क्या प्रावधान है जो पुरुषों और महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करने के लिए है? So these are all those provisions in the Declaration of United Nations. Number A is equal access to basic social services including health and education. स्वास्थ्य और शिक्षा सहित मौलिक जो भी सामाजिक सेवाएं हैं वो सबको समान रूप से पहुंचे। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, राजनीतिक और आर्थिक निर्णय में समान भागीदारी हो। इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान इनाम मिले। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोका जाए, उसका समापन हो, उसे खत्म करें। Who said to whom and when, why? किसने किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा? So the world is full of inequalities. ये किसने किससे कहा था? ये टुम्बा ने कहा था लेंथोई से, अपनी बेटी से। कब कहा था? जब वो डिस्कस कर रहे थे जेंडर इक्वालिटी के बारे में अपनी बेटी से। When he is discussing gender equality with his daughter. I want to do something interesting. ये किसने कहा था? ये लेंथोई ने कहा था अपनी माँ शांगबी से। कब कहा था? When she wants to discuss something with her mother, जब वो अपनी माँ के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती थी। It is against the will of God. ये किसने कहा था? ये शांगबी ने कहा था लेंथोई से, अपनी बेटी से। कब कहा था? When she is talking about the subjugation of women, जब वो ये बता रही थी कि औरतों को कितना दबाया गया है। Our home is full of love. ये किसने कहा था? ये लेंथोई ने कहा था। किससे? अपनी माँ से, अशांगवी से। When she is discussing gender equality with her mother, जब वो अपनी माँ से gender equality discuss कर रही थी। We can affirm along with United Nations that men and women are equal. ये किसने कहा था? ये अशांगवी ने कहा था लेंथोई से, अपनी बेटी से। When Lanthoi asked her about the provisions available to enable women to express their potential and set themselves free from suppression. जब लेंथोई ने उनसे पूछा था कि क्या क्या प्रावधान है जिससे जो है औरतें जो है वो अपने पोटेंशियल, अपने अपने जो उनके अंदर काबिलियत है उसे पहचान सके और अपने आप को ये जो सप्रेशन है, ये जो उन्हें हमेशा से दबाया जा रहा है, इससे वो अपने आप को आजाद कर सके, तो इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। नेक्स्ट इज ग्रामर एक्सरसाइज। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउंस। आपको ये तो पता ही है कि नाउन की जगह अगर कोई वर्ड यूज हो तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। नाउन क्या है? किसी का नाम। आपने उसकी जगह कोई वर्ड यूज किया, दैट इज प्रोनाउन। जैसे कि आई, यू, ही, शी, माय, योर, हिज, हर, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन्स हैं। नाउ देयर आर अदर वर्ड्स आल्सो व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, दिस, दैट, दीस, दोज, ये भी प्रोनाउन्स हैं। जैसे कि दिस इज अ किंगफिशर, किंगफिशर चिड़िया का नाम है, दिस जो है ये प्रोनाउन हुआ। दोज आर हेरन्स, हेरन्स जो है नाउन है और दोज क्या है? प्रोनाउन है। वो, दिस, ये वो, ये सब भी प्रोनाउन्स हैं। दीस प्रोनाउन्स आर व्हाट? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। नाउ सम प्रोनाउन्स नॉट ओनली रिप्लेस नाउन्स बट आल्सो कनेक्ट टू सेंटेंसेस। तो कुछ प्रोनाउन्स जो है वो खाली नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दो वाक्यों को जोड़ भी रहे हैं। जैसे कि बायोलॉजी इज अ साइंस, इट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biology is a science which studies living organisms. या फिर आप कह सकते हो that studies living organisms. So ये which और that क्या है? ये relative pronouns हैं. Some pronouns are used to ask questions. कुछ pronouns से जो है आप question भी पूछते हो, जैसे कि what, which, who. तो ये क्या है? ये interrogative pronouns हैं. Now हमें जो है इन words, इन sentences में जो है हमें वो words underline करने हैं जो कि pronouns हैं और फिर हमें लिखना है कि वो कौन से pronoun है। So first one is what do you want to do? तुम क्या करना चाहते हो? So what क्या है? Interrogative pronoun, right? जिससे हम question पूछ रहे हैं। You क्या हुआ? Personal pronoun. It is because of your father that I feel no inequality. So it क्या हुआ? It is personal pronoun. Your क्या है? Personal pronoun. I क्या है?
पर्सनल प्रोनाउन. सो यहाँ पे योर आई इट ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन है. दिस इज वॉट योर टॉपिक मीन्स. दिस और योर क्या है? दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, राइट? यहाँ पे था दिस एंड दोस, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. योर क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. शी इज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच वाइंड्स अप द माउंटेन. नाउ शी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. विच क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इससे जो है आप दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो, ये वाला सेंटेंस और ये वाला, इसको आपने जोड़ा विच से, तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 5, रीड द फॉलोइंग लाइंस. इन लाइंस को पढ़िए. इमेजिन इट इज द बिगनिंग ऑफ एन इंस्टेंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड. आपको ये इमेजिन करना है कि ये कोई ऐसी घटना है जो आपने एक्सपीरियंस की है, आपके साथ हुई है. कंप्लीट द इंसिडेंट यूजिंग योर इमेजिनेशन. अपनी इमेजिनेशन के साथ जो है आपको इस घटना को पूरा करना है. गिव इट अ पॉजिटिव एंडिंग, इसे आपको एक सकारात्मक अंत देना है. सो लाइंस आर, आई हैड ऑफन नोटिस दैट इन माय नेबर्स फैमिली द सन वाज ग्रेटली पैम्पर्ड बट द डॉटर वाज ट्रीटेड अनफेयरली. मैंने नोटिस किया था कि जो मेरे पड़ोसी का घर था वहां पे लड़के का तो बहुत लार दुलार होता था, बट लड़की को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे. आई कुड नॉट बेयर दिस, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. सो वन डे आई डिसाइडेड टू, तो एक दिन मैंने डिसाइड किया. अब इसके आगे आपको लिखना है, तो मैंने कैसे लिखा है? सो वन डे आई डिसाइडेड टू स्ट्राइक अप अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन विद द डॉटर सैरा. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करूंगी, उसका नाम था सैरा. ओवर टाइम वी डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड ट्रस्ट. कुछ समय बीता तो हम जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए, हमारे बीच में बहुत भरोसा और यकीन हो गया. One evening, I invited Sarah to join me in a community event where we could showcase her talents in art, which she had been hiding due to lack of encouragement. तो एक शाम को मैंने क्या किया? मैंने सैरा को बुलाया एक कम्युनिटी इवेंट में. एक इवेंट हो रहा था हमारी सोसाइटी में, उसमें बुलाया जहाँ पे वो जो है अपनी आर्ट को दिखा सकती थी. तो उसको आर्ट में वो बहुत टैलेंटेड थी, बट वो जो है उसे कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसे छुपा के रखा हुआ था. तो मैंने उसे बोला कि वो वहां पे आए और अपना टैलेंट दिखाए. सारा हेजिटेटेड बट इवेंचुअली अग्रीड. उसने पहले तो नानुकुर की बट फिर वो मान गई. विद माय सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट शी डिस्प्लेड हर पेंटिंग्स रिसीविंग प्रेज एंड एडमिरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. मैंने जब उसे सपोर्ट और बढ़ावा दिया तो उसने जो है अपनी पेंटिंग्स वहां दिखाई और सबने उसकी तारीफ की. एनकरेज्ड बाय द पॉजिटिव फीडबैक सारा गेन्ड द कॉन्फिडेंस टू परस्यू हर पैशन फॉर आर्ट. इतने बढ़ावे के बाद जो है उसने उसे जो है उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया, तो उसने जो है डिसाइड किया कि वो आर्ट में आगे बढ़ेगी. हर पेरेंट्स बिगेन टू नोटिस हर अचीवमेंट्स एंड फाइनली रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ हर एबिलिटीज. उसके माँ बाप जो थे उन्होंने उसके उपलब्धियों को देखा और उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो कितनी काबिलियत है उसके अंदर. दे स्टार्टेड सपोर्टिंग हर एंड एक्नोलेजिंग हर वर्थ. वो भी उसे फिर सपोर्ट करने लगे और उन्हें उसकी कीमत पता चली. In time, Sarah's talent flourished and she became a renowned artist, proving her capabilities to her family and the world. कुछ टाइम में जो है सैरा जो है वो बहुत बड़ी जो है आर्टिस्ट बन गई और उसने जो है अपनी फैमिली को दिखाया कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है. The family changed. Both children were treated equally and supported in their endeavors. तो वो परिवार जो था वो बदल गया. फिर दोनों बच्चों को जो है एक समान उनके साथ ट्रीटमेंट होता था और उनके जो भी वो करना चाहते थे उसमें उनकी फैमिली उन्हें प्रोत्साहित करती थी. द इंसिडेंट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट लीडिंग टू अ हैप्पियर एंड मोर हार्मोनियस फैमिली लाइफ. ये इंसिडेंट, ये घटना जो है ये टर्निंग पॉइंट की तरह थी और इससे जो है उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही खुशनुमा हो गई, उनका जो पारिवारिक माहौल था. नंबर 6, सो देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू डू. From your school library or internet, collect quotations, slogans promoting gender equality. आपको अपनी लाइब्रेरी या इंटरनेट से क्या नारे ढूंढने या quotations ढूंढने, famous लोगों ने जो जो चीजें कही है वो ढूंढना है किस टॉपिक पे? जेंडर इक्वालिटी पे. मेक डेकोरेटिव पोस्टर्स विद पिक्चर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग वुमेन और स्केचेस और इलस्ट्रेशंस ऑफ योर चॉइस. आपको जो है पोस्टर बनाने हैं जिसमें जो है वो महिलाएं जिन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए हैं उन्हें बनाना है. उनके स्केच हो या फोटो हो ये आपके ऊपर है. फिर आप अपने स्कूल में जो है ये पोस्टर्स लगा सकते हो अपने टीचर से परमिशन लेके. सो दीज आर फ्यू स्लोगन्स एंड कोटेशंस दैट आई हैव फाउंड ऑन इंटरनेट. ये कुछ स्लोगन है, कुछ नारे हैं, कुछ कोटेशन है जो मुझे इंटरनेट पे मिले हैं.
आप इन्हें यूज कर सकते हो अपने पोस्टर्स में. सो नंबर वन इज जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ. इट इज अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस. ये किसने कहा है? ये कोफी अन्नान ने कहा है. ये वाला जो कोट है ये माया एंजलो का है. आई एम अ फेमिनिस्ट, आई हैव बीन फीमेल फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, आई वुड बी स्टूपिड नॉट टू बी ऑन माई ओन साइड. बराक ओबामा ने क्या कहा है? जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ वुमेन्स इश्यू, इट्स अ ह्यूमन इश्यू. जी डी एंडरसन ने कहा है फेमिनिज्म इजंट अबाउट मेकिंग वुमेन स्ट्रॉन्गर, वुमेन आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे द वर्ल्ड परसीव्स दैट स्ट्रेंथ. यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है? जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट बट अ नेसेसरी फाउंडेशन फॉर अ पीसफुल प्रॉस्पेरस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. मलाला यूसुफजई ने क्या कहा है? आई रेज अप माई वॉइस नॉट सो आई कैन शाउट बट सो दैट दोज विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड. वी कैन नॉट सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक. ओपरा विनफ्रे ने क्या कहा है? द ओनली वे टू डील विद फियर इज टू फेस इट हेड ऑन. रूथ बेडर जिन्सबर्ग ने कहा है वुमेन बिलोंग इन ऑल प्लेसेस वेयर डिसीजंस आर बीइंग मेड, इट शुडंट बी दैट वुमेन आर द एक्सेप्शन. तो ये सब फेमस कोटेशंस हैं कुछ बड़े बड़े लोगों के, आप इन्हें यूज कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स यू कैन राइट इन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई. थैंक यू.